उज्जैन के बड़नगर रोड पर चिंतामन थाना क्षेत्र में आने वाले गंभीर नदी के करीब गुजरात से पुणे के लिए जा रही बस में यात्री बैठकर यात्रा कर रहे थे और साथ ही में अपने गंतव्य तक जा रहे थे, जहां पर यात्रा दो दिन में पूर्ण होती है। गंभीर नदी के करीब जैसे ही बस पहुंची, वैसे ही बस के अंदर यात्रा कर रहे एक यात्री की मौत हो गई। जैसे ही बस के अंदर यात्री की मौत हुई, वैसे ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। चलती ही बस को रोका गया और रोड के किनारे पर फिर पुलिस को सूचना दी गई। चिंतामन गणेश थाना क्षेत्र से पुलिस कर्मी पहुंचे और मृतक युवक की शिनाख्त करने के प्रयास शुरू किए गए, साथ ही मामला दर्ज किया गया। जहां गंभीर महामारी कोरोना वायरस के चलते काफी ट्रेनें बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जान जोखिम में डालकर हजारों किलोमीटर की यात्रा बस से कर रहे हैं, साथ ही कुछ मजदूर तो पैदल जाते हुए भी दिखाई देंगे। ऐसे में जो बस से हैं और उनके अंदर सुविधा है और ना ही बराबर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर यात्री सफर कर रहे हैं। फिलहाल बस को जब्त किया गया है और मामला जांच में लिया गया है चिंतामन पुलिस के द्वारा। नहीं, क्या नाम है आपका? अशोक भाई। अशोक जी, ये बताइए, ये बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? वापी से आ रही है, पटना जाएगी। करीब कितने किलोमीटर का सफर है ये? 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर। आप वहाँ से कब निकले थे? शाम को 8 बजे। शाम को आज 8 बजे निकले थे। कब पहुँचती है बस पटना? कल शाम को पहुँचती। कितने घंटे का सफ़र रहता है? 2 दिन का रहता है। 2 दिन। अच्छा, आपने अभी स्टाफ कहाँ कहाँ पर दिए थे? स्टाफ कितने दिए रुकने के लिए? स्टाफ को रात को 10:30 बजे खाना खाया। अच्छा, यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कोई हिसाब, कोई व्यवस्थाएँ वगैरह हैं इसमें? कुछ दिखाई तो दे नहीं रही, कुछ उसमें व्यवस्थाएं वगैरह कुछ ऐसा कोई लग ही नहीं रहा। एक व्यक्ति की मौत हो गई आपकी बस में? हाँ, किसकी बस? किसकी ये बस? किसकी है यार, चलाते हैं बस? कहाँ की है? बस का मालिक कौन है? बस का मालिक तो मेरा नहीं है। हम इस समय खड़े हुए थाना जो है चिंतामन गणेश थाना क्षेत्र की जो सीमा आती है उस थाना क्षेत्र के अंदर यह जो रोड आप देख रहे हैं, यह प्रमुख रोड है। उस रोड को बड़नगर उज्जैन रोड कहा जाता है। इस रोड के पास गंभीर जो नदी के पास में एक बस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बस में जो यात्री बैठे हुए थे और ये यात्री जो है पटना से जो पूना जाने का जैसा बताया जा रहा है ड्राइवर के द्वारा, करीब दो दिन का सफ़र यात्री तय कर रहे हैं इतनी लंबी रूट की बसों से। अब अगर बात करते हैं गंभीर महामारी कोरोना वायरस के मद्देनज़र इस समय ट्रेनें बंद हैं और रूट पर ट्रेनें चल नहीं रही हैं, जिसका परिणाम असर यह दिखाई दे रहा है कि लोग बसों में जो है जान जोखिम में डालकर यात्राएं कर रहे हैं। अगर इस बसों को बारीकी से देखा जाए, इनका निरीक्षण किया जाए, तो इनके अंदर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ऐसे कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन बसों में आप कुशलपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। अभी ताज़ा मामला है कि इस बस के अंदर से एक मृत युवक का शव बरामद हुआ है। युवक जो है सफ़र कर रहा था और उस बस के अंदर यात्रा करते समय युवक की मौत हो गई। खैर, अगर बात करें तो चिंतामन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के कर्मी और पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मृतक युवक के शव को बस में से उतारा गया है और अब प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ